नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा ऊना से आपके साथ लाइव जुड़े हैं। इस वक्त ऊना के रामपुर में ड्राइविंग टेस्ट यहां पर लिया जा रहा है। कितने इस टेस्ट में पास होते हैं, कितने लोग फेल होते हैं, ये निश्चित रूप से एक ऐसी परीक्षा जो बेहद रोचक हमेशा से रही है और आज भी इस परीक्षा में कुछ इसी तरह से ये देखिए, ये थोड़ा सा पहले ही एडवांस ही मूव लेके, और ये देखिए फंबल जरूर कर रहे हैं लेकिन संभाला लास्ट एंड पर आकर। और आ गए गलियारे में 5906। तो ड्रेसा ऐसी परीक्षा जिसे उत्तीर्ण करने के बाद ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है ताकि आप आधिकारिक तौर पर वाहन लेकर सड़कों पर उतर सकें। हमारे साथ यहाँ पर MVI ऊना अजय चौधरी जी यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट ले रहे हैं। कुछ देर पहले तक यहाँ पर SDM ऊना डॉक्टर निधि पटेल भी यहाँ थे और अब यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट के लिए, चाहे वो रिन्यूअल हो चाहे वो न्यू लाइसेंस किसी ने बनाना हो, ये प्रक्रिया सबके लिए एक समान। और इस प्रक्रिया के तहत आप देख सकते हैं लंबी वाहनों की लाइन है और दो पहिया वाहन चालक भी इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आज वेदर कंडीशंस पिछले कल से बेहद उलट, पिछले कल ऊना काफ़ी सर्द था लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो किस तरह से तमाम लोग अपना वाहन लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह से ये वाहन चालक अपनी परीक्षा दे रहे हैं, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। लाइव टेंशन के पेज को लाइक एंड फॉलो करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बिल्कुल, हालांकि एक हाशिए पर गाड़ी को ले आए हैं इस वक्त, एक हाशिए पर। भाई आने दो, पीछे आने दो, पीछे आने दो भैया, ठीक है, पार करो। तो जिन वाहन चालकों का टेस्ट हो चुका है उन्हें गाड़ी पार्क करते हुए अपनी फाइल्स जमा करवाने के लिए कहा जा रहा है, चाहे गुड्स कैरियर हो चाहे पैसेंजर या फिर कोई आप डोमेस्टिक गाड़ी अपनी रखते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको लाइसेंस की बेहद ज़रूरत, बिना लाइसेंस आप वाहन लेकर सड़क पर बिल्कुल ना उतरें। जी बिल्कुल भावना शर्मा जी, आपकी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी आपके साथ हम साझा करेंगे। हमारा डेस्क, हमारा जहां भी हमारे जो साथी हैं वो जरूर आपको अपडेट करेंगे। तो फिलहाल यहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं, तो अब यहां पर तजुर्बे की परीक्षा, यानी तजुर्बेकार हैं, उम्र दराज हैं, थोड़ा सा फंबल ज़रूर हो रहे हैं, गाड़ी बंद भी हो चुकी है लेकिन फिर से ट्राई करेंगे। तो एक बार फिर से बंद हो गई गाड़ी, बीच में रोकनी है गाड़ी, कंटिन्यू रखनी है। तो ये वो परीक्षा जिसमें थोड़ा बहुत मानसिक दबाव जरूर रहता है सभी लोगों पर। अभी वाइपर्स भी यहाँ पर चलते हुए दिखाई दिए थे गाड़ी के। हालांकि जो वाहन चालक सड़कों पर सरपट गाड़ियां लेकर दौड़ते हैं, अच्छे अच्छे चालक यहाँ पर पानी पीते हुए दिखाई भी दिए हैं। जी बिल्कुल अभिषेक शर्मा जी, अच्छे अच्छे काम जाते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये देखिए थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ जाते तो बुर्जी को गिरा लेते। बच गए, नहीं नहीं नहीं, बाल बाल बचे। तो ये चीज़ अहम, सड़कों पर कई बार हमने देखा है कि लोग अपने वाहनों को सरपट दौड़ाते फिरते हैं लेकिन जब बारी यहाँ पर आती है तो हाथ कांप जाते हैं और गाड़ी इस गलियारे में आने की बजाय बुर्जियों पर जा चढ़ती है। लगन
बेहद आराम से, बेहद शानदार तरीके से गाड़ी को और बिल्कुल बीचों बीच लाए हैं। ये देखने वाली बात है अहम कि अभी तक गाड़ी जो है वो बिल्कुल बीचों बीच आई है। थोड़ा बहुत फंबल ज़रूर हुए लेकिन राइट लेफ्ट करते करते पहुंच चुके हैं। बस चलिए भैया निकालिए, नेक्स्ट राहुल। तो आज हमारे बीच एक मालवाहक वाहन भी दिखाई दे रहा है और इनका भी नंबर अगला आने वाला है, युवा चालक हैं। लेकिन उससे पहले एक अन्य कार सवार गुजरेंगे इस परीक्षा से। काफ़ी दूर निकल गए भैया आप। और ये देखिए बिल्कुल अब ये यहाँ पर इंचेस के गैप से विद द गैप ऑफ द इंचेस ये अब यहाँ पर थोड़ी सी इनको गाड़ी सीधी करने की ज़रूरत। लेकिन और मुझे लगता है कि ये टच कर जाएंगे लेकिन आन दो पीछे पीछे आने दो पीछे। ये देखिए नेक्स्ट टाइम बोल दिया गया है। तो जाते हुए तो काफी रफ्तार थी लेकिन आते हुए जरूर फंबल हुए। अब ये यहाँ पर एक अहम टेस्ट होने वाला है, मालवाहक वाहन है और अगर ड्राइविंग की बात करें तो मालवाहक वाहनों को चलाने वाले लोगों को काफ़ी परिपक्व भी समझा जाता है। हालांकि जो डोमेस्टिक व्हीकल्स रखते हैं उनके मुकाबले गुड्स कैरियर वाले जो हैं वो पर ये देखिए एक या दो इंच का ही गैप रहा होगा और गाड़ी गलियारे में प्रवेश कर चुकी है। और ये देखिए एक पट्टी की सीध की तरफ से यहाँ से गाड़ी आ रही है और ये देखिए शानदार तरीके से। हालांकि ये गाड़ी कार्स के साइज से ज़्यादा बड़ी थी लेकिन इसके बावजूद बेहद क्लोज कॉल भी था। क्या कुछ तजुर्बा आप इस ड्राइविंग टेस्ट को लेकर रखते हैं आप भी ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पिछली बार जब हम यहाँ पर लाइव स्ट्रीम लेने आए थे तो अमेरिका से लौटे एक युवक ने अपना लाइसेंस बिना ड्राइविंग टेस्ट दिए बनवाने का प्रयास किया लेकिन जब विफल रहे तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और उनका यह भी कहना था कि जिस सिस्टम को वो अमेरिका में फॉलो करते आए हैं कुछ उसी तरह का सिस्टम यहाँ पर उन्हें देखने को मिला। तो सिंह साहब रेडी फॉर द टेस्ट। कड़ी धूप है और कड़ी धूप के बीच इस वक्त फाइल्स का भी सहारा बहुत छांव के लिए अगर देखा जाए। मैम के पास आप साइड हो जी। जोर मत लगवाइए, गाड़ी निकाल लीजिए। सीट बेल्ट का भी प्रयोग किया है और अधिकतर वाहन चालक जो हैं वो सीट बेल्ट ये बेहद एक अहम चीज़ रहती है। जब दोपहिया वाहन पर आप ड्राइविंग टेस्ट देने आते हैं तो आपका हेलमेट होना ज़रूरी है
दो पहिया वाहन की नंबर प्लेट्स आपकी सही सलामत होना बेहद ज़रूरी है। तो कुछ सर्टन कुछ नियम होते हैं जो सड़क पर चलते हुए आपको फॉलो करने हैं, तो वो नियम आपको यहाँ पर भी ड्राइविंग टेस्ट के दौरान मैंडेटरी किए गए हैं। आप कार चला रहे हैं, बड़ा वाहन चला रहे हैं, सीट बेल्ट आपके लिए यहाँ पर भी मैंडेटरी होगा। तो ये देख सकते हैं आप, बेहद शानदार तरीके से गाड़ी को ले आए हैं इस गलियार के बीच, और थोड़ा सा गैप अब यहाँ पर इनको ये देखना होगा। आने को पीछे ठीक है, निकाल लो, निकाल लो। तो पास हुई मोहतरमा, लाइव टाइम सीवी के लिए ऊना के रामपुर से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा, असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूद जी के साथ विशाल शांडिल्य, धन्यवाद।